ओ खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी, स्वाद लो नमकीन का। बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टे शुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आइए डालते हैं एक नजर दिनभर की खास सुर्खियों पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा निकाली गई रैली। 10वें मतदाता दिवस के पूर्व जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम प्रशासन एच गौरी ने दिलाई कर्मचारियों को शपथ। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने भी मतदाता दिवस के पूर्व कर्मचारियों को दिलाई शपथ। डॉक्टर करण सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का हुआ पूर्वाभ्यास। कोठारी मेडिकल हॉस्पिटल के सामने सड़क जर्जर होने से यातायात अवरुद्ध और लोगों ने लगाया जाम। एमएम स्कूल में राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। और राजस्थान आइकॉनिक मॉडलिंग और डांस कॉम्पिटिशन 25 तारीख। और नोखा के विधायक बिहारी बिश्नोई टिड्डियों से भरी उत्सव में लेकर पहुंचे विधानसभा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं राष्ट्रीय बेटी दिवस के मौके पर, जहां जिला विधिक प्राधिकरण सेवा समिति के द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन रखा गया, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। गंगा चिल्ड्रन स्कूल से इन बच्चों ने इस रैली को निकाला और खासतौर से लोगों को जागरूक करने की बात की। यहाँ पर न केवल विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे, बल्कि यहाँ पर शिक्षा विभाग का स्टाफ भी मौजूद रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं इस रैली की कुछ झलकियाँ। मंचस से भी यहाँ उपस्थित समस्त से निवेदन है कि वो अपना हाथ देता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और देश में भाईचारा बनाने रखने के लिए काम करूंगा। वर्णित मूल कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात। रैली के पश्चात हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पवन अग्रवाल से की बातचीत। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से सभी को जागरूक करने के प्रयोजन से इस रैली का आयोजन किया गया है। इसमें संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर संविधान की मूल कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से हर बालिका को साक्षर बनाना है। सभी बालिकाएं पढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित ना रहे। शपथ किस बात की दिलाई? संविधान के पालन की शपथ। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसके पूर्व जहां जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एडीएम प्रशासन एच गौरी ने कर्मचारियों को मतदान के लिए शपथ दिलाई। दिखाते हैं हम आपको कलेक्ट्रेट परिसर में कि कैसे एच गौरी ने यहां कर्मचारियों को शपथ दिलाई। निर्वाचन अधिकारी एच गौरी साहब से मैं आग्रह करूंगा
कि निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी हुई शर्मा है प्रशासन गठित अध्यक्ष ने आप सभी को विदित है कि 25 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी के रूप में मनाते हैं भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। 25 शपथ दिलाने के बाद हमने एडीएम प्रशासन से की बात। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को कल अवकाश है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी कार्यालयों में जो है 24 तारीख को आज 11 बजे मतदाता शपथ की आयोजन की गई है, जिसमें आपने देखा कि कलेक्ट्रेट बीकानेर के परिसर में जितने भी कार्यालय हैं उन सभी के कर्मचारी ने उपस्थित होकर शपथ ली है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने भी मतदाता दिवस के पूर्व अपने तमाम कर्मचारियों को मतदान के लिए संकल्प दिलाया और शपथ दिलाई। आइए दिखाते इसकी कुछ झलकें। शपथ दिलाने के बाद हमने जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा से की बातचीत। आज कार्यालय के सभी यहां उपस्थित पुलिस कार्मिकों को शपथ दिलाई गई कि वे अपने निर्वाचन के कार्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी धर्म भावना या किसी अन्य प्रवृत्ति हुए बिना प्रयोग करेंगे, साथ ही जब भी जहाँ भी ड्यूटी पर रहेंगे वहाँ अपना सदैव प्रयास करेंगे कि निष्पक्ष और निर्भीक रूप से अपने ड्यूटी। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए पूर्वाभ्यास कन्हैया सिंह स्टेडियम में हुआ। शिक्षा विभाग के 1000 से अधिक छात्र छात्राओं के द्वारा सामूहिक व्यायाम, योग और भारतीयम का प्रदर्शन किया गया। वहीं शानदार मार्च पास का जो है वह प्रदर्शन किया गया। आज परेड की सलामी लेने के लिए पूर्वाभ्यास में एडीएम सिटी सुनीता चौधरी पहुंची। यहां पर खासतौर से जहां निगम के आयुक्त प्रदीप गवांडे, जिला शिक्षा विभाग से भी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा और कई अधिकारी मौजूद रहे। हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम, जहां पर आज मुख्य समारोह का पूर्वाभ्यास हुआ। कोठारी मेडिकल हॉस्पिटल के सामने बनी हुई सड़क काफी जर्जर है, यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, लिहाजा इस मुख्य सड़क पर गुजरने वाला हर राहगीर परेशान होता है। बड़े वाहन भी इससे निकलते हैं और छोटे वाहन भी इस पे निकलते हैं। कुल मिलाकर के इस सड़क की इस दयनीय स्थिति को लेकर के और पहले भी कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं। सुभाष स्वामी और उनके समर्थकों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, रास्ता जाम किया। दिखाते हम आपको उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के संपादित।
प्रदर्शन करने के बाद हमने सुभाष स्वामी से की बातचीत। वार्ड की जनता यहाँ परेशान होती है, मेरे शहर की जनता यहाँ परेशान होती है। हम लोगों ने यहाँ 7 बार जाम लगाया है और 4 बार हम लोगों ने सांकेतिक जाम लगाया है। आज ये 13वीं बार हम लोगों ने सड़क को रोका है। हम नहीं चाहते कि आम आवाम यहाँ परेशान हो, लेकिन आम आवाम तिल तिल करके मर रहा है, इस कीचड़ में से निकलता है। यहाँ हॉस्पिटल है, पेशेंट्स आते हैं, यहाँ स्कूल है, यहाँ बच्चे आते हैं, लेकिन एक एक फुट दो दो फुट गहरे खड्डे यहाँ पड़े हैं। प्रशासन यहाँ से निकलता है लेकिन चैन की बंसी बजा करके सो जाता है, क्योंकि प्रशासनिक सारे ऑफिसों पर सारी जगह सफाई है, सारी जगह उनकी स्थितियाँ ठीक है। मतलब नाले बना के सड़क को सही कर देवे, और हमारे घर में तो हम कोई कंस्ट्रक्शन मांग नहीं रहे हैं कलेक्टर साहब से और दूसरे प्रशासन से। कभी कहते हैं PWD करेगा, कभी कहते हैं UIT करेगा, कभी कहते हैं कि नगर निगम करेगा। एक बार मंत्रियों की मीटिंग के दौरान भी मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे लास्ट डेडलाइन दी गई थी 15 अक्टूबर और वो 15 अक्टूबर चली गई, और उसके बाद दोबारा मैं जब गया मुझे उन्होंने फिर डेडलाइन दी दिसंबर, लेकिन फिर दिसंबर चला गया और अब ये जनवरी जारी है, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शॉपिंग चलना है? नहीं। ये लो। वाओ, प्रेमजी अग्रवाल के रसगुल्ले। अब मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे शॉपिंग नहीं चलना क्या? दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विद्युत कंपनी के द्वारा जबरन मीटर बदले जाने का विरोध अब भी बीकानेर में चल रहा है। शिवशंकर बिस्सा के नेतृत्व में आज बिजली के अधिकारी शांतनु भट्टाचार्य का पुतला फूंका गया और इस बात को लेकर के चेतावनी दी गई कि वे अब जबरन लोगों के मीटर नहीं बदले। आइए दिखाते हैं हम आपको बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ कैसे पार्षद शिवशंकर बिस्सा ने विरोध प्रदर्शन किया। हमने बातचीत की पार्षद शिवशंकर बिस्सा से। पिछली राजस्थान गवर्नमेंट बीजेपी सरकार ने बीकानेर के लिए एक ये नासूर रेट दिया था बिजली कंपनी KBCL, जिसका विरोध कर रहे हैं। और इस कंपनी ने जो अभी दादरशाही अपना रखी है, हर प्रत्येक घर के अंदर बिगर कोई सूचना दिए हुए सवेरे 4 बजे रात को 12 बजे ये लोग घुस कर जाते हैं और मीटर चेंज करते हैं, और जो नए मीटर लगा रहे हैं वो सारे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, और उन स्मार्ट मीटर जो इतने तेज चलते हैं, वैसे भी अभी बेरोजगारी, आर्थिक मंदी से तंग जनता, उस जनता के कारण से और इनके जो बिल आ रहे हैं उन बिलों के कारण से हम लोग आज बिजली कंपनी का जो है यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। किसका पुतला दहन कर रहे हैं आप? बिजली कंपनी के जो अधिकारी है उनका यहाँ पर हम पुतला दहन कर रहे हैं भट्टाचार्य का। मोहता मूलचंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उन छात्र खिलाड़ियों का सम्मान और अभिनंदन किया गया जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक लिए, जिनमें खासतौर से क्रिकेट में भी राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल राजस्थान की टीम को मिला, उसमें भी MM स्कूल के एक छात्र जो है वह उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं राम स्वामी जो है तीरंदाजी में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर के लौटे, और फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम में भी खिलाड़ियों का चयन हुआ है। MM स्कूल के इन छात्र खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इन छात्र खिलाड़ियों का आज स्कूल परिसर में विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मान किया गया। Come on.
हैं सब। नोखा के विधायक बिहारी बिश्नोई विधानसभा सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आज अनूठे तरीके से पहुंचे, जहां पर लोगों का ध्यान उन्होंने खींचा। बिहारी बिश्नोई ने आज अपने सर पर एक टोकरी जो है वह लगा रखी थी। उस टोकरी में टिड्डियां जो है वो भरी हुई थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों जहां बीकानेर में फसलों को काफी नुकसान टिड्डियों की वजह से हुआ और सरकार की तरफ से अब तक उसका मुआवजा और भरपाई नहीं किए जाने का विरोध इस अनूठे तरीके से विधायक बिहारी बिश्नोई ने किया। देखा था हम आपको इसकी कुछ झलकी। किसानों ने राजस्थान सरकार को ये टिड्डियों का तोहफा भेजा है। हम राजस्थान की सरकार को किसानों की समस्या के प्रति आगाह करना चाहते और पिछले बजट सत्र में भी सरकार को इसके प्रति आगाह किया था कि राजस्थान का सीमावर्ती किसान टिड्डियों के हमले से परेशान है। राजस्थान की सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम उसमें पूरा मुकाबला करने को सरकार तैयार है। टिड्डियों के हमले से राजस्थान के किसान, 12 जिलों के किसान, पूरे उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जिलों के किसान, उनकी 7 लाख हेक्टर की फसल बर्बाद हो गई है और प्रति बीघा 80,000 की मिनिमम लागत की फसल किसान कृषि वैज्ञानिक मानते हैं। खिलाफ खड़े विरोध में खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाली टिड्डियों की चिंता भी सरकार करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टिड्डियों का टेंडर अटेंड जो किसानों पर हुआ है, किसानों के 12 जिलों की 7 लाख हेक्टर की फसल बर्बाद हो गई है। 9 अरब का किसानों को नुकसान हुआ है और 90 अरब का नुकसान हुआ है और मात्र सरकार किसानों के मुआवजे के नाम से खाना पूर्ति कर रही है। हमारी मांग है केंद्र की सरकार ने जो NDRF में 600 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को दिया है, उसका पूरा मुआवजा किसानों को दे। अभी राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ रहे थे, हमने उसमें कई सुना हमारे नाटक शोभी में कि 47 करोड़ का मात्र मुआवजा दिया गया है राजस्थान के किसानों, जबकि ये इतना बड़ा नुकसान 7 लाख हेक्टर का, 13,000 रुपये मात्र 13,500 रुपये प्रति हेक्टर दे रही है। गोपेश्वर बस्ती के पास में भैरू जी का मंदिर है, जहां गजानन पापड़ वाले की फैक्ट्री भी है और उसके पास में जो गली है वहां पर सड़क नीचे होने के कारण से पानी वहां पर जमा हो जाता है, जिससे कि न केवल वहां पर रहने वाले लोग अपने घरों में आसानी से जा पाते हैं, बल्कि इस कीचड़ और पानी में से होकर के गुजरना पड़ता है और इसे लेकर के कई बार शिकायतें भी की गई। हम आपको दिखाते पहले वो नज़ारा कि कहाँ पर यह पानी भरा है, जहाँ पर सड़क नीचे रहने की वजह से यहाँ पर ये परेशानी और समस्या आ रही है। लोग इसको ऊंची करवाने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने गोपेश्वर चौराहे पर आज इस सड़क को ऊंची करवाने को लेकर के और प्रदर्शन किया। दिखाते हम आपको उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के संपादित। राजस्थान आइकॉनिक मॉडलिंग और डांस कंपटीशन 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि जहां लालगढ़ परिसर में ही यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस कार्यक्रम में तकरीबन 350 युवक और युवतियों ने ऑडिशन दिए, जिनमें 55 युवक और युवतियों का सिलेक्शन किया गया। विनर और रनर का जो फैसला है वह 25 तारीख को होने वाले शो के दौरान होगा। इसकी आज रिहर्सल जो है वह चल रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस आइकॉनिक कार्यक्रम के कुछ संपादित अंश। और चलते चलते डालते हैं नजर है उसकी खास खास खबरों पर। दिवाली का दिवस
के अवसर पर जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा निकाली गई रैली। 10वें मतदाता दिवस के पूर्व जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम प्रशासन एएच गौरी ने जिलाई कर्मचारियों को शपथ। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने भी मतदाता दिवस के पूर्व कर्मचारियों को दिलाई शपथ। डॉक्टर करण सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का हुआ पूर्वाभ्यास। कोठारी मेडिकल हॉस्पिटल के सामने सड़क जर्जर होने से यातायात अवरुद्ध और लोगों ने लगाया जाम। एमएम स्कूल में राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। और राजस्थान आइकॉनिक मॉडलिंग और डांस कॉम्पिटिशन 25 तारीख। और नोखा के विधायक बिहारी बिश्नोई टिड्डियों से भरी हुई छवि लेकर पहुंचे विधानसभा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश अरंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।